अमेरिका देगा भारत को ये बड़ा दर्जा, देश होगा और ज्यादा ताकतवर और मजबूत। अमेरिका और भारत की दोस्ती इन दिनों बहुत अच्छी होती जा रही है और इन दोनों ही देश को आपस में एक दूसरे की चिंता लगी रहती है। बता दें कि अमेरिकी संसद में करीब आधा दर्जन प्रभावशाली सांसदों ने अमेरिका भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक अहम बिल पेश किया है। अगर यह बिल लागू होता है तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट भारत को नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सहयोगी का दर्जा देगा। अमेरिका आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट में भारत को नाटो सहयोगी देश के तौर पर तरजीह मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको इस खबर के बारे में और भी विस्तार से। उससे पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी खबर की ओर। इस बिल पर काम कर रहे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के मुताबिक यह इस बात का प्रभावपूर्ण संकेत होगा कि रक्षा सौदों में भारत अमेरिका की प्राथमिकता में है। पिछले सप्ताह सांसद जो बिल्सन ने बिल HR 2123 पेश किया था, वह हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हैं। बिल्सन ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और क्षेत्र में स्थिरता का अहम स्तंभ है। भारत ने निर्यात नियंत्रण की नीतियों को लेकर हमेशा प्रतिबद्धता दिखाई है। उन्होंने कहा, यूएस कानून में यह संशोधन भारतीय प्रशांत क्षेत्र में यूएस भारत की साझेदारी को सुरक्षा प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। मैं यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को शुक्रिया अदा करता हूं जिसने इस विधेयक में अपना सहयोग दिया है। इस विधेयक को समर्थन देने वालों में MB बेरा, यूएस कांग्रेस में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सेवा देने वाले भारतीय अमेरिकी और जॉर्ज होल्डिंग हाउस इंडिया कॉन्कस के उपाध्यक्ष ब्रेड शेयरमैन, तुलसी गवार्ड और टेड योहो का नाम शामिल है। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDAA 2017 में भारतीय अमेरिकी रक्षा साझेदारी को देखते हुए भारत को यूएस के प्रमुख रक्षा सहयोगी का दर्जा दिया गया था। इसमें भी भारत के साथ व्यापार और तकनीक साझा करने पर विशेष सहयोग और प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने अपने बयान में आगे कहा, भले ही यह देखने में ताकतवर लगे, लेकिन NDAAFY 2017 में भारत को रक्षा क्षेत्र में ज्यादा तरजीह देने को लेकर किसी भी तरह की कानूनी बाध्यता नहीं थी। अभी तक नाटो के सहयोगी देश का दर्जा इजराइल, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिला हुआ है। NDAA 2017 के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए आर्म्स एक्सपोर्ट एक्ट में संशोधन किया जाएगा ताकि भारत नाटो के सहयोगी देशों की कतार में आ सके। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष अघी ने कहा, हम कांग्रेस के बिल्सन के नेतृत्व में इस विधेयक को फिर से पेश करने की सराहना करते हैं। हम आश्वस्त हैं कि यूएस कांग्रेस उन विधेयकों को लागू करती रहेगी जिनसे भारत अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत होंगे।